परसेंटेज भी नहीं बता रहा हूँ, इतने अधिक विद्वान उसी तरफ ले जाते हैं। अब अपन स्त्री हैं, अब अपन पुरुष हैं, अब मजबूर हैं, गरीब हैं। पहले अपन गरीबों की मजाक उड़ाई होगी, अब अपन गरीब हो गए। देखो ये लूले लंगड़ों की मजाक मत उड़ाओ, अपन लूले लंगड़े हो जाएंगे। मैंने बस इसी स्टेप पर इसी ट्रेंड पर चली जाएगी गाड़ी। और पैसा चाहिए, देखो गरीब हो तो दान देना सीखो, इससे अगले दिन पैसा मिले। यहाँ तक कि मैं क्या कहूँगा आपको, आप यदि भगवान की पूजा को पढ़ोगे ना उठा करके, बीस पंथ आमनाई की बात कर रहा हूँ, श्वेतांबर में भी लिखी है पढ़ना। अक्षत से पूजा क्यों करना, चंदन से पूजा क्यों करना, हला से पूजा क्यों करना। चंदन जैसा सुगंधित शरीर वाला देह मिलेगा, चंदन से पूजा इसलिए करना चाहिए, चंदन जैसा सुगंधित शरीर वाला देह प्रजा मिलेगा। लिखिए जरा, मैं नहीं मानता ये बात, दो ही जगह लिखी है, आपके यहां भी लिखी है, उधर भी लिखी है। फूल चढ़ाओगे तो फूल जैसा कोमल शरीर मिल जाएगा। अरे मैं शरीर तो चाहिए हमें, एक बार फूल जैसा कोमल शरीर मिल जाएगा, और फिर पहाड़ जैसा कठोर कैसे मिलेगा। तो देवगति से पहाड़ भी चला गए फिर क्या फायदा। लिखिए मतलब धोखाधड़ी की विद्या तुम्हारी है ना, यमन काला वाली ढेर मेरे क्या कचरा ये करो तो कैसे हुआ। देखो देखो आचार्य ने कहा है दिव्यंड पुष्पांगी, अरे भाई तुम समझते दिव्यंड क्या होता है। देवगति के पुष्प में बोलने में तो जीव राशि क्षीर सागर का जल है, तो क्षीर सागर में ना दूध जैसा सागर जल, लेकिन उसमें जीव राशि नहीं पाई जाती। अच्छी सागर जल तो ला नहीं सकते, तो तुमने दूध ऐसे बोले क्यों, दूध जैसा मिलेगा, दही जैसा मिलेगा, फला जैसा। खूब लिखी गप गप तो कह रहा हूं गप, ये ऐसे मिलने लगता होता है ना। तो जैसे वो हो गया क्या चला था, आजकल एक मशीन नहीं आती बैंडिंग मशीन आती है, कौन कौन सी चीज मिल जाती है, 2 रुपए डालो पानी मिल जाए,
फला मिनरल ऐसा मिल जाए, जितने ऐसा बिजनेस हो गया सीधे सीधा, इतने से घी से भगवान खुश, इतने से दही से भगवान खुश, इतने से दूध से भगवान खुश, इसके बदले में तुम्हें करोड़ सागर आयु की सभी बड़ी मिल जाएगा। मैंने टोटली जैन शासन के बाहर की गप है, गप है एकदम, क्या व्यवस्था नहीं जान मुझे कहना है तो दुख से बचने का रास्ते ही खत्म हो गए थे। कह औषधि दान है ना, औषधि दान चार दान है, औषधि दान तो मैंने प्रोसेस सुनी है, मतलब मैंने भी सुना। देखो भाई अपन बीमार हो जाएंगे तो दवाई नहीं मिलेगी क्या, इसलिए कोई बीमार हो उसे दवाई कराना चाहिए। और देखो अपन मुनि बनेंगे साधु बनेंगे तो कोई आहार नहीं देगा अपने को, इसलिए श्रावक भूमिका में आहार दान दे, परेशान हो जाएंगे फिर। मैंने तैयारी कहा चल रही है जी, सब झूठे प्रवचन है, नहीं कह रहा झूठे प्रवचन की श्रेणी है जी। क्यों झूठे हैं? तुम ही कहोगे झूठे हैं, मैं नहीं कहूंगा, तुम कहोगे झूठे। क्या एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और तुमने उसे कैंसर की दवाई कराई, अब वो कैंसर की दवाई, तुम्हें कैंसर होगा जब इसे दवाई कराए तो इसका मतलब तुम बेवकूफ बन गए, इसका मतलब भूल के कैंसर की दवाई नहीं कराना, नहीं तो तुम्हें कैंसर होगा वो दवाई रिटर्न करेगा। समझ आ गई ना धोखेधड़ी की विद्या, ऐसा नहीं लेना। आप पढ़ना तो रत्न शाकाचार्य जी में पढ़ना, ज्ञान दान का फल किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपो आप ज्ञानी होते हैं। तीर्थंकर किसी से पढ़ने नहीं जाते, बड़े बड़े महाऋषि हुए जो महावाद ज्ञानी हुए भी किसी से पढ़ने नहीं गए, क्यों? ज्ञान दान करने का फल सहज ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। औसत दान का फल तुम्हें बीमारी नहीं होगी जे है, अवैध दान का फल यह है कि तुम्हें कभी किसी से भय नहीं लगेगा, चार गति का भय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। निर्णय करना पड़ेगा। अब तुम पूछो कि प्रवचन गलत थे कि सही थे, नहीं उस समय सही थी, कि जो लोग नहीं जानते थे मूल स्वाद है उन्हें प्रलोभन देने के लगाते हैं, पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ, इसलिए वो सही थे। किसी प्रलोभन से मंदिर आ जाए, जिन्हें मंदिर ही नहीं आते थे, पूजा ही नहीं करते थे, तो प्रलोभन से पूजा करने को लिया। और दूसरी प्रॉब्लम थी जब यह स्वाध्याय नहीं करते थे तो असली बात तो पता नहीं थी, तो सोमवार को वहां चले जाते थे, मंगलवार को वहां चले जाते थे, फिर पीर में भी चले जाते थे, वहां भी चले जाते थे। अभी भी जिनको स्वाध्याय नहीं है, जैन होने पर भी मैंने कितने देवी देवता पूछते, कहो तो हमारे बाप दादा पूछते, वो परंपरा से चले आ रहे हो। क्या कह रहा था, पूजना परंपरा से पूजना चला रहा है, हर महीने एक उस देवता की पूजा करो, उस कुल देवता की पूजा करो, एक नानी सास की पूजा करो, एक दादी सास की पूजा करो, एक पदा सास की पूजा करो, करते रहो सब साथ। आप ऐसी बातें मत, अरे कुल परंपरा के बारे में थोड़ा मजे लिखा है कुल परंपरा के बारे में, यदि किसी कुल परंपरा में चोरी होती हुई तो क्या करना चाहिए? बाप का बाप चोर था, अभी कुल परंपरा में चोरी आई, अब उनका करे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो क्यों थे तुम, क्यों करते हो, हमारी कुल परंपरा है। मतलब ऐसे निर्णय करना चाहिए, निर्णय में बुद्धि नहीं लगा वो स्वाद जाएगी ना, हो नहीं सकती वो चीज। इसलिए हमने पॉइंट क्या रखा, हम दुखों की चर्चा कर रहे हैं, इन पांच भावों में ये पॉइंट ऐसा है जो महादुखद है, हम भी कह रहे दुख है, दुख है, चार गति है, पांच पंच परावर्तन है, 84 लाख योगियों की पीड़ा है यार। तो हम इसकी चर्चा उस तरह से नहीं करेंगे जैसे लोग करते हैं, करते हैं आपने सुनी होगी खूब। मैं उधर से करना चाहता हूं कि जलते हुए घर में से निकलने का उपाय खोजो, जलो मत। यदि आपको याद हो तो कल परसों के प्रवचन मैंने कहा था डिटैच रहो, तुमने सुना था डिटेच का प्रवचन? नहीं सुना, ले लेना, कुछ नहीं सुनना, बहुत अच्छा प्रवचन। डिटेच रहो, जैसे पाकिस्तान हार, भारत हार जाए तुम यदि अटैच रहोगे तो दुखी रहोगे, डिटेच रहो, खेलन दियो हारन दियो हमें कहा, तुम डिटेच होगे तो सुखी रहोगे। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में कहीं पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग हो रहे हो और टेंशन है, बोले क्यों? क्योंकि मेरे पापा टेंशन है,
घर में बहुत खर्चा है, कमाई करने वाला नहीं है, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, पापा की टेंशन को असर बहुत टेंशन बना दी, इतनी अटैच मत रख। यदि तुम सचमुच पापा की चिंता दूर करना चाहते हो तो लड़कियों से दोस्ती मत करो, लॉन्ग ड्राइव पे मत जा, डेटिंग और चैटिंग मत करो, पढ़ाई करो। यदि पापा की सही चिंता है अच्छा से पढ़ाई करो, अब जे क्या मतलब निकला, दिन भर तो आवारा गर्दी करी और शाम को पापा का फोन आया, बेटा ओ पापा आपका विजन, आपकी आंखों का तारा, जिस जिस गड़बड़। मैं तरीका बता रहे हैं ना, एक दृष्टांत दिया आपको, हर जगह लगा लो आप डिटेच, जहां कुछ नहीं कर सकते वहां डिटेच। मेरे पिताजी की एक्सपायर होने की खबर है, मैंने उस समय प्रवचन किया, रात को मालूम पड़ी, सुबह मैंने प्रवचन किया अच्छे से, ठीक हूँ मस्ती से, तो लोगों को लोग इसलिए आए थे आज पंडित को क्या होगा ना, से प्रवचन करता था जैसे नॉर्मल, तो लोगों ने कहा कि आपको कुछ लगा नहीं क्या, थोड़ी देर बाद हमें हो जाएगा, आज भी चलेंगे थोड़े दिन बाद हमें जाना, अब हम क्या करें, किस बात का दुख मनाए, दुख किस बात का मनाए, यदि कुछ काम करने लायक था तो उस समय करना चाहिए था, वो तो अच्छी बात है, पहले तो जीते में पानी नहीं दिया, परेशानी नहीं, अब तो रो रहे बैठे, ये नहीं कर, मैंने मरने के बाद दुख नहीं मनाना, जी कहना आपको जो कुछ करना पहले करें, हमें जो कुछ करना ना हमने पहले किया, पूरी व्यवस्था की उनकी समाधि तक कर दी, अब चले गए बहुत प्रसन्नता की बात, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चले गए कोई बात नहीं, पॉइंट प्रॉब्लम है, ऐसे लोग बहुत होंगे जीत जी प्रेम नहीं रखेंगे, सिर्फ श्रद्धा भक्ति सेवा जो करना चाहिए उन्हें, और मर गए हम मर जाएंगे, अब तुम का कर रही थी ऐसे पॉइंट प्रॉब्लम है। चलो तो अभी अपन देखते शुरू करूं प्रवचन है ना, औदय भाव कर्म में उदय होता है, ये तो पढ़ सकते हो, कर्म में उदय होता है, और उसी समय जो जीव की फीलिंग आ रही है आपको वो औदय भाव, मतलब जीव जैसा आपको लगता है वो औदय भाव है, तो ये पारिणामिक है, ये इसके सापेक्ष औदय लगता है, जीव है तो पारिणामिक ही, जैसे कल्पना करो आप इंडियन हो, भारत की नागरिकता है, ठीक है, लेकिन तुम वो ग्रीन टिकट मिल गया, क्या कहलाता है अमेरिका में, ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन कार्ड, अब तुम वहां के निवासी कहलाने लगे, तो कोई बात होती है अमेरिकन कहलाओगे, अब परिचय देना होगा तो इंडो अमेरिकन कहलाएंगे, लेकिन अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई, तो जी अमेरिकन सिटीजनशिप है या इंडियन सिटीजनशिप है, आपकी बर्थ कहां की है, तो मूल में तो आप इंडियन ही हो, लेकिन अब अमेरिका का मिल गया ना ग्रीन कार्ड, इसलिए तुम अमेरिकन सिटीजन कहना नहीं लगे, तो वो कहना नहीं लगे और ये तुम हो, वहां पर भी यदि भारत की बुराई होगी ना तो तुम बहुत बुरी लगे, क्योंकि तुम भारतीय हो और अमेरिकन सिटीजन कहलाते हो, ऐसे ही अब चलो तुम भगवान हो और पुरुष कहलाते हो, अब बोलो बोलो क्या कहना, हम तो भगवान कह रहे हैं, तुम उसे एक उड़ा देते हो, तो हम लड़का हैं का भाई, ये सिटीजनशिप तो थोड़े दिन के लिए मिली है, ट्रंप आ गए तो कहना नहीं वो खत्म कर दे, हमसे खत्म कर दे, और परेशान हो जाओ तो क्या करोगे, चलो ये अपने घर चलो, अपने घर चलो, ऐसे जो वृद्ध हो जाएगा फला हो जाएगा, बीमार हो जाएगा फला, चलो ये अपने घर चलो, क्यों ये तो उदय सापेक्ष थी, कर्म के उदय सापेक्ष थी, मैं नहीं हूं, मैं तो भारतीय हूं अमेरिकन नहीं, लेकिन अभी हम कहें ना अपनी सभा में एक राजनांदगांव का व्यक्ति आया तो आपको महीने नहीं आती, लेकिन राजनांदगांव का एक व्यक्ति इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया, अब अमेरिका से लौटा तो सब लोग चौड़ी आंखों से देखते हैं जैसे विदेश क्षेत्र से कोई आया हो, अमेरिका जे मिथ्या थे, फिर कह रहे तुम हो तो भगवान, अब तुम अपने जो कर्म सापेक्ष मानते हम करेंगे, तुम अपनी अनादर तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं,
क्या कह रहे हैं? यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, नोबडी कैन इंसल्ट यू। किसी में दम नहीं जो आप इंसल्ट कर देंगे। खुद नहीं मान लिया अमेरिका अच्छा था, अभी अमेरिका से आने वालों को सेवे लगा तो सब तो यही समझते ना अमेरिका से, अमेरिकन आए होंगे जयपुर में चार दिन का सेवे था ना, अमेरिका से आए तो हमने तो अब सब चोरी आंखों से देख रहे हैं, जैसे अमेरिका से कोई देवदूत आए। मेरे ये वेद हैं खंडवा के, इंदौर के, गुजरात के, राजस्थान के वेद हैं। अब अलग क्यों मानते हैं? उनको देखिए महिमा आती तो ये मिथ्या है। ऐसे तुम इधर से देख के महिमा करते हो, ये मिथ्या है। मूल में तो तुम भगवान है। जब तुम इधर से दुखी हो गए तो तुम्हें लौट के घर ही आना पड़ेगा। भजन गाते हो भजन क्या है वो? भूल कर अपना घर, जाने कितना कि घर तुझको जाना पड़ा। तुम याद नहीं है? वो एक अलग जितना वो लंबा चौड़ा सुन लेना, लंबा चौड़ा हम ऐसे हैं। हम तो कबहू न निज घर आए। आनंद जी का भजन है, आनंद हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। नाम अनेक धराए मैंने अब सुंदर का कहला है, फिर जवान कहला हो, फिर बूढ़े कहला हो, मर के स्वर्गवासी कहलाओगे। मैं जब भी कभी तस्वीर देखता हूँ स्वर्गवास में, और कहीं कहीं खाली जगह रहती है, मैं कहता हूँ यहाँ मेरी जगह है। आपने कहते हैं मन निकट डर लगता है गंदे में, एक भी इसका फोटो टांग देंगे तो स्वर्गवासी सुमत प्रकाश जी है चूल्हे में गए। अब देखो सुखी होने की विधि ये है जी, कह रहे चार गति नाम का एक औदिक भाव है, इसमें कई प्रकार के औदिक भाव में एक चार गति नाम का औदिक भाव है। तो चार गति नाम तो मनुष्य गति बारे कहना है, इसका मतलब इट इज नॉट ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल तो कोई नहीं पार्टनर नहीं, इसके सापेक्ष इसको हम औदय कह रहे हैं। अब उदय को देखोगे तो औदय खड़ा होगा, उदय से निरपेक्ष देखो बस भगवान दिखाई देगा, उदय से निरपेक्ष देखो भगवान दिखेगा। भगवान दिखेगा मतलब समझ में आएगा, दिखेगा आंखों से नहीं दिखेगा, अभी तुम आंखों से देखो, सब हमें आत्मा दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ, दिखाओ का मतलब समझ में आएगा। उदय से निरपेक्ष केला कैसा होता हरा कि पीला है, जोनों की होती हजर नहीं हजर नहीं, तुमने पहले सुन लिया इसलिए हजर बोला, सही सही बताओगे तो हरा खाते हो पीला खाते हो, पीला खाते हो पक्की सफेद तो नहीं खाते। ये दिख गया देखो, अब दिख गया, अब दिख गया ना, अब हरा केला कहने पर भी हमें सफेद दिख गया। ऐसे आत्मा समझ में आएगा तुम, मैं भगवान प्रत्यक्ष आज देखा चेतन का खजाना। कैसी सुंदर सुंदर भक्तियां हैं, तीन लोग में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट समझते हैं, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धर के खाई विश्राम निज में पाऊं, निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई, प्रभु सा
शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। देखो भगवान मैं देखो चल अभी ऐसे इमोशनल हो जाएंगे तो हमारे नहीं जा पाएंगे। तो चार गति समझ आ गई, चार गति अब बोलो तुम्हें चार गति नाम का अनुभव करना है कि आत्मा का अनुभव करना है। अब तुम्हारे जीवन में क्या है, अपन ने सबका समाज में सुन रखा है विदेश के संदोह बहुत अपन गई गरीब आदमी भी चार रोटी कमाओ बीटा खाओ पिया तो देखो जे दिन नहीं मिलेंगे दोबारा देखो ऐसा नहीं हो जाए ना माया मिली ना राम मतलब लोग ऐसा कह करके उस भगवान तत्व को यस कर लो यस कर लो और दिन रात तुम टीवी भी यस करने वालों को देखते हो आबाद लोगों को तो तुम्हें भी भगवान का विश्वास नहीं आता और दो चार गलतियां कर लो जिंदगी में इसके बाद तो भगवान का भरोसा ही नहीं आएगा। हम तो बहुत पाप ये ऐसा करते थे ऐसा खाते थे ऐसा करते थे हमारे गुंडे लोगों के बीच में रहते गंदे रहते हैं हम फिर साधु के पास जाने तक में घबराहट होती है उनके चेहरे स्पर्श में भी ऐसा लगता है जैसे कोई जा रहा हो ना तू आगे चला तू पीछे क्यों खड़ा अरे अपन इस लायक नहीं अपन उनके चरणों की धूल बन जाए बहुत है धूल तू धूल बनने लायक है भगवान बनने लायक है पर्याय हीनता से मुझ में कमी न आए पर्यायहीनता समझ गए औदयिक भाव से पर्यायहीनता मतलब औदयिक भाव औदयिक भाव से मुझ में कमी न आई आत्मा के अंदर वैसे तो बहुत शक्तियां हैं पारिणामिक भाव की बहुत शक्ति है लेकिन दो शक्ति बताता हूं आपको। जैसे मैंने एक दिन दर्शन दी ना बंगले में क्लीनर लगा हुआ है क्लीनर गंदगी हुई क्लीन गंदगी हुई क्लीन ऐसे आत्मा में एक शक्ति है उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। भाव का अभाव कर दे ऐसी शक्ति भाव का अभाव कर दे ऐसी शक्ति है तो जैसे ये विकार आता है ना ये सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। अब देखो एक सेकंड में मैंने बहुत बड़ा कह दिया एक समय आप कभी भी चेक करके देख लो तुम्हें कभी विकार एक समय से ज्यादा नहीं टिकता और अभाव भाव शक्ति है अभाव भाव शक्ति क्लीन लाती है मतलब सफाई स्वच्छता लाती है पवित्रता लाती है तो अगले समय में पवित्र पर्याय आ जाती है। कितना भी विकार हुआ हो प्रभुता का विकास होगा। हमें पढ़ के सुनाता हूं वो भक्ति पढ़ना तुम्हें ना मम भाव भाव शक्ति पामर तमेक देगी अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। ये तो चाह रहे तुम ऑटोमेटिक 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 हो गए शरीर में भी वो शक्ति खरोज लगी। अब तुमने पैर के अंदर थी ना इसके अंदर पैंट के अंदर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया तो उस विकार को किसने दूर किया कोई खरोज पड़ गई थी अंदर अंदर सकती है उसने तो कर दिया ना खराब को आपने हर खराब पर्याय को सफाई करने का काम तो ऑटोमेटिक चल रहा तुम बस मस्त रहो मस्त रहोगे तो अगली पर्याय खराब नहीं होगी तो मोक्ष हो जाएगा बस इतना सरल क्यों हमें मैंने तुम्हें सब मोक्ष जाने के लिए कुछ करना नहीं है तुम तो एक नया विकार बंद कर दो नया विकार पुराना खत्म हो जाएगा करना नहीं है पुराना विकार खत्म करना नहीं है। आपको पता है जो कर्म प्रकृति अपन बांध चुके ना बांध उन्हें नहीं काटना आप उन्हें नहीं काटना वे तो उदय आगे कटेंगे जिसको निर्जरा कहते हैं जिस तो अपने समय से कटेंगे बस तुम नया बंद मत करो मोक्ष हो जाएगा जिसका नाम है संबंध निर्जरा मोक्ष होने की इतनी सरल विधि है हाँ तो चलो चार गति समझ में आ गई तो जब मुझे चार गति थी ये औदिक भाव है मैं नहीं हूं मैं कैसे देते ज्ञान कर मजा करोगे कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों पंडित जी तो आप कह रहे हो
मेरे ऊपर तो आरोप ही लगता है, आप अपने मन ही मन से बोलते हो कुछ पढ़ाते तो नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ 10 साल, मैंने 10 साल में एक दिन भी देख देख के नहीं पढ़ाया, मैं क्या करूँ। 10 साल में कभी किताब खोल के नहीं पढ़ाया, ऐसे डायरेक्ट थ्रू आउट लेक्चर दिया था, मैं वो आदत पड़ गई मेरी, मैं क्या करूँ। लेकिन तुम पूछो मैं बताता हूँ, राजा राणा छत्रपति तो पता है सबको, पढ़िए राजा राणा छत्रपति। तो उसमें एक जगह लाइन आती है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना फिरना कोई, लिखिए कि नहीं लिखिए। और अब जो देह क्या थी, उदय मान, उदय था ना कर्म का उदय, उस समय तो उदय मान ले ली, जब इसी का निषेध कर लिया तो फिर अन्य भाव कहां से हो गए, मतलब कहां से बोल। तो चार गति, अब इससे क्या फायदा होगा पता है, जिस शरीर दुबला हो जाए तुम दुखी नहीं होगे, मोटा हो जाए तुम दुखी नहीं होगे, देह छूट जाए तुम दुखी नहीं हो। दिगंबर मुनिराज इसी बौद्धिक भाव से जिन्हें देखते हैं, इसके बल पर श्रीमद राजचंद्र ने लिखा है, देह जाए पर माया न बरते रोम में, चलिए कोई दिक्कत, बहु उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, बोला एक दृष्टांत, दृष्टांत दर्दना है, जिस एक तुम्हारा दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बिल्कुल 30 रुपया ले दी तुम्हें और बोल खेस के फाड़े, तो तुम कितना दुख होगा, बोलो कितना दुख होगा, क्यों नहीं होगा, है नहीं दिया, पहले नहीं दिया केवल परमानेंट नहीं, हाँ केवल आज पहनने के लिए दिया और आज ही उसे गुस्सा आई कोई बात, उसे गिरेवाल पकड़ ली खेल थी फट गई, तो तुम्हें कितना दुख होगा, है कौन हमारी धारणा तेरी है, तू नहीं फाड़ी, हम तेरे से कह रहे भाई देख देख समझ 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 भाई मत कर मत कर, तो नहीं मान रहा खेस भी फट गई, तो वो कह रहे हमारी शर्ट हमारी हमारी टी शर्ट लौटा लियो, ऐसे कर्मों ने टी शर्ट की और कर्मों ने फाड़ गई, लियो तुम्हारी तो हम जा रहे हैं मोक्ष। और पकड़ में आएगी चार गति वाले भाव से भेद विज्ञान करने में कितना मजा है, हमारा तो कुछ सुखड़ा नहीं, दुबला हो गया तो वो हो गया हम थोड़ी हो गए, मोटा हो गया तो वो हो गया हम थोड़ी हो गए, काला है तो जी हम थोड़ी है, लगा लो सब, सबसे ज्यादा प्रकृति है 13वीं प्रकृति, नाम करेंगे 13वीं प्रकृति है 13वीं, ठंडा हुआ तो जे हुआ, गर्म हुआ तो जे हुआ, चिकना हुआ तो जे हुआ, बहुत चिकना खोड़ धरा हो गया हो गया, चूल्हे जो बाहर में जाओ, साधुओं की क्या स्थिति है, साधुओं शरीर कैसा लगने लगता है, चेहरा कैसा लगने लगता है, तुम्हें लग रहा है ना, हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो पराई चल जाए, जिस घर में आप नहीं रहते उसमें बाईपास कराते नहीं, क्रैक हो जाते रिपेयरिंग कराते नहीं कराते, ऐसे हम इसमें नहीं ले रहे, हम अपने में ले रहे, इसका नाम साधु अवस्था, इसलिए इसी चक्कर में कुछ नहीं करते, मालिश करो तेल करो फला करो, लिखा है ब्रह्मचारियों को तेल वो क्या क्या नहीं लगाना चाहिए, तो फुलेल क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाना चाहिए, क्यों श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार के ध्यान रखना होगी, बच्चों को भी समझाना, बच्ची हो तो उनको समझा देना, श्रृंगार करने का एकमात्र कारण होता है किसी पुरुष को अट्रैक्ट करना या किसी कन्या को अट्रैक्ट करना, इसलिए जो साधु होते हैं वे अपने शरीर के श्रृंगार क्यों नहीं करते, कोई स्त्री हम पर आकर्षित ना हो, क्यों वो तो सहज रहते हैं ना, अब कोई भी आकर्षित हो सकता है, और ऐसी घटना घटी है पुराणों में आई कि कोई स्त्री साधु पर आकर्षित हो गई तो उपद्रव हो गए, इसमें 22 परिसर में एक नाम है स्त्री नाम का परिसर, 22 परिसर में स्त्री नाम का परिसर है, अब जब साधुओं के लिए तक आया है तो अपने को भी संभल के रहना चाहिए, लड़कियों को भी बता देना, जी वैसे हम लड़कों को लड़कियों कह रहे हैं, लड़कियों कभी मेकअप करके बाहर मत निकलो, फालतू मेकअप सिंपल रहो, क्यों तुम किसी को अट्रैक्ट करोगे, फिर तुम सड़क पर 95 लड़के अच्छे, 5 लड़के तो खराब है, मेरी बड़ी पीरियड और देख रहे
और फिर भी अटैक कर देंगे, ऐसे अटैक कर देंगे, किडनैप कर लेंगे, कोई गड़बड़ कर देंगे, फिर तुम कहो लड़के खराब है, तो 100 लड़के खराब नहीं है, लेकिन 5 लड़कों का तो कोई भरोसा ठेका नहीं ले सकता। बता देना अपनी बच्चियों को जानबू से कह रहे हैं, चाय जैसे कपड़े पहने, चाय जैसा मेकअप कर रहे, चाय जैसे घूम रहे, और जानबू से लटके झटके, और लड़का नीचे खड़ा, लड़की यहां से बैठी मोटरसाइकिल, जैसे बड़ी लेफ्ट हैंड साफ हो रही है। जिन लड़की झटके वो फिल्मों में से देख देख के सीखती है लड़की, चाय जैसे घूम रहे, चाय जैसे बैठ रहे, और हाथ लगा रहे लड़कों से, जी के चक्कर। आप पढ़ो सील की नौवार, ब्रह्मचर्य विज्ञान का सच कहता हूं, उतने पेज हैं सील की नौवार, एक एक घर में महिलाओं को पढ़ना चाहिए, फोटो करा लो चाहे नहीं, किताब मिले तो मिला लो, सब लोग पढ़ना हो ब्रह्मचर्य विज्ञान में सील की नौवार, बहुत अच्छी लिखी मैंने, रात को पढ़ी दो, अब दिन में तो फुर्सत मिल नहीं पाती तो रात को पढ़ी हम दो, पढ़ना बेटे तुम भी पढ़ना सील की नौवार की अच्छी है। मैंने हम जान सोच के अपने बच्चों के जीवन में अंधेरा ला रहे, भाई 100 लड़के तो खराब नहीं, 5 लड़के तो खराब हो सकते हैं, फिर भी कुछ कर देंगे तो क्या करोगे बता, ये लड़कों को यदि अपने जीवन में पढ़ाई की एकाग्रता करना है, कॉन्सेंट्रेशन करना है, फोकस करना है, तो ब्रह्मचर्य का नियम रखो, विवाह होने के पहले तक कोई चक्कर मत पड़े, अब तुम कभी परेशान नहीं होगे, और नहीं तो एक एक घटना तुम्हें जिंदगी भर रुलाएगी। मैं तो पहले पिक्चर देखता था ना 82 के पहले तक, फिर तो छोड़ दी, तो मुझे बैराग वहां से आ रहा कि 2 मिनट गाना गाते फिर रोज रेत की 3 मिनट फिर विदाई का गम, जुदाई का गम, मर जाएंगे हम। जिंदगी में कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया, देखने की कोशिश ही नहीं करी, पढ़ाई का फोकस अच्छा रहता हूं, मैंने हमने कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी, मुझे कि फोकस खराब नहीं किया, फोकस खराब नहीं हुआ तो पढ़ाई अच्छे से होगी, मैंने उतनी पढ़ाई बढ़िया कर गया, सिल्वर मेडल यूनिवर्सिटी में। हमारा मतलब यह कि बेटे जिंदगी ऐसे बनती है, क्योंकि जब तुम मेकअप भी करती हो ना तो फोकस खराब होता है, ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे करना, पूरे रास्ते तुम्हारे दिमाग कहीं वन घूम रहे, अब हमें सीधे कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, तो हमें पढ़ाई पढ़ाई घूम रही, जाते हुए पढ़ाई घूम रही, आते हुए पढ़ाई घूम रही, आधे से होमवर्क पढ़ाई खत्म, अब हमारे दिमाग कुछ खराब आते ही नहीं घूमते, आए बच गए बस खत्म। मेरा मतलब ये घटना रुलाएगी खराब, डिप्रेशन कर देगी, सुसाइड कर लोगी, लड़कों को देख लो बेटे पढ़ गए, जो 4 गति से देखो कितना फायदा है, 4 गति नाम का हो जाएगा, एक जहां दे अपनी निपट गया, तहां दुख अपना नहीं, मरण अपना नहीं, जीवन अपना नहीं, बर्थडे अपनी नहीं, शादी अपनी नहीं, सब अब गया लगा दिया, कुछ नहीं सर, सही बताएं इतना सा ज्ञान हो जाए, मुझे जितना दुख होता है इतना सा वादिक भाव का भेद विज्ञान नहीं होने का नुकसान होता ना आपको। अभी तुम सब लोग यदि आज दुकानदारी बंद कर दे तो भी भूखे नहीं मरोगे, इस शरीर की कितनी जरूरत है, और कपड़े की कितनी जरूरत है, कितने गहनों की जरूरत है, कितने लगा लेगा, सब खर्चा लगा दे, बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्चा है सब लगा लेगा, लेकिन अब लेकिन जिससे हम अमर होने हो सकते हैं वो टाइम आज का नहीं जा रहा है, बच्चों का 12-12 घंटा पढ़ाई, अब जिन वाणी से दूर, अब बन जाएंगे लोग ऐसे, फिर क्या कर लेंगे, फिर बेबी लाख, फिर करोड़, फिर अरब, क्यों 1-1 करोड़ रुपए चुनाव में क्यों खर्च कर दे दीजिए लोग, और अरबपति बनने के चक्कर में, अरबपति व्यक्ति भी चुनाव में क्यों खड़ा होना चाहता है, बड़े बड़े लोग पायलट वगैरह की बड़ी बड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह क्यों खड़े हो रहे, बोलो एक बात बोलू मैं आपको, मुझे बहुत दया आती है, दया माधव राव सिंधिया बहुत बड़ी स्टेट है ग्वालियर की, यदि चुनाव में खड़े नहीं होते तो सोनिया गांधी जब भी वहां आती ना तो वोटों के लिए इनके पैर पड़ती, राहुल गांधी इनके पैर पड़ता, पायलट के पैर पड़ता राहुल गांधी, पर इतना प्रभाव है पूरे उस क्षेत्र में, वोट लेने के लिए ऐसा प्रभाव होता है, लेकिन जीतेला चुनाव में खड़े हुए तो जब भी जाते हैं ना मैडम 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 राहुल गांधी कौन कौन पैर पड़ते थे, बिल्कुल नहीं, मुझे सिंह चुनाव में साधु महात्मा खड़े हुए चुनाव में,
तो फिर वो वोट मांगने जाना पड़ता है, तो वोट मांगने गए तो एक टुकरिया थी, टुकरिया समझते हैं तो उसके पैर पड़ गया, मेरी नैया तुम्हारी हार है। तो अखबार में छपा था दूसरे दिन, जब उन्होंने ऐसा कहा पैर पड़ के कि हमारी नैया आती, तो वो बुंदेलखंडी महिला थी, उसने कहा काय रे अभी तक तो हम सबकी नैया तू तारक था। हम तो वही नहीं पढ़े जी, हमारे जगह नहीं है जी, गलती यहां से हो रही समझ में आ रही, इस गलती यहां से हो रही इससे बेटियां नहीं कर पा रहे, इस वाले बाप को परमानेंट मान लिया, ऐसा लग रहा है इसी की हिफाजत करो, इसी की इबादत करो, इसी की भला करो। मैंने कभी कभी अपने लोग भी बोल देते, बड़े लोग, बड़े लोग मैंने बड़े पद वाले कायदे से साधुओं को संसद में जाना चाहिए, बोल दिया अपनी अपनी लाइन कायदे संसद जिनके काम में भी करें अपना काम दिया, अपनी संसद में चलो, सिद्धों की संसद में यहां क्या रखा है, वो परमानेंट संसद है जहां तो 5 साल की बात है, और चाहे योगी हो चाहे कोई हो, आखिरकार के पर आती है ना उनकी क्रिटिसाइज आती है, बुराई आती है, तो वो हिंदू लोग ही उनकी अंग्रेज बोलने लगते तो कोई बुराई तो हुई ना, पहले आप कैसे थे, पहले आप सर्वमान्य थे और जिन्हें भी वोट चाहिए होते थे चाहे वो हिंदू या मुस्लिम वे भी आप कहते थे आपका आशीर्वाद, अब क्या हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं बेटे वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो अपन अच्छे पद में आकर के भी बड़े त्याग का पद लेकर के भी हल्की बातें करने लगे, फिर कह रहे इस चार से वेद विज्ञान कर लो बराबर नहीं तो सर अब तुम आगे चलो, अब इसमें 21 है ना, हमें 21 पूरे करना है। एक अज्ञान नाम का औदय भाग, अज्ञान नाम का औदय भाग, पंडित जी अज्ञान से तो बहुत दुख होता है, अज्ञान से तो बड़ा दुख होता है, ठीक है दो बार बोल दिया, जितने लोग दुखी हो कैसे दुखी हैं अज्ञान से, तो पंडित अब क्या बोलोगे, अब बोलो बोलो क्या बोलोगे, अज्ञान की अज्ञान से अटैच होने वाला दुखी होता है, अज्ञान से बंद नहीं होता है, ये खुशखबरी है सुख समाचार है, अज्ञान से कोई बंद नहीं होता, यदि अज्ञान से भी बंद होने लगे तो एक इंद्रिय जीत दो इंद्रिय में नहीं आ पाएगा, दो इंद्रिय जीत तीन इंद्रिय में नहीं आ पाएगा, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनका तो घोर अज्ञान, सबसे ज्यादा अज्ञान नाम का होगा किसको है, एक इंद्रिय को, अक्षर का आनंद को भाग विचार कोई पता ही नहीं, तो उसका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा, सुना एक इंद्रिय दो इंद्रिय में आ जाता है, अज्ञान रोक नहीं पाता, अज्ञान दुखी नहीं करता, सुन मोह दुखी करता है, मोह मतलब अज्ञान से अटैच अनुभव, अज्ञान से अटैचमेंट तुझे दुखी करता है, कोई तुझे दुखी नहीं करता तो मोह मिट गया, अभी तुम दुखी हो जाओ भाई साहब, तो कई जैसे ब्रह्मचर्य मिली है ना, तो ऐसे और लोग आते हैं तो उनकी मम्मी एक तर्क दे रही सुमत प्रकाश जी को प्रवचन कर लिए तुम लोग का आदमी उनके लिए टीवी पे प्रवचन आ रहे, उन्हें तो चाहने वाले और हैं तुम लोग का आदमी तो अब पूरी ताकत कायम लगा देते अपन प्रवचन कार बनो, अपन भी लटके झटके सीखो, अपन भी ऑडियो रिकॉर्ड कराओ, अपन भी इंटरनेट पर भेजो, भैया हमने एक दिन भी सपने में भी नहीं सोची कि तुम भिजवाना, पूछो अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती तो अभी हमने कहते रिकॉर्ड कर, और आज क्यों नहीं किया, कभी नहीं कहा, और इंटरनेट पे किसने डाली हमें पता नहीं, ऑडियो किसने डाली खबर नहीं, टीवी पे कौन भेज रहा है हमें पता नहीं, मुझे तो बाद में पता लगता, मैंने तो वो टीवी पे भी नहीं दिया क्या आया उसका, ये दिया ना जिंदगी की, मैंने जो नहीं चाहे था ना उसे सब मिलता है, जी यदि हम कहते ना जैसे तुम पहली बार हमसे मिल जाए बेटा तुम कोशिश कर तो तुम्हें हमारे प्रति नफरत ही होगी, अरे यार पकड़ तुम बेटा तुम तो करोड़ बदल लो 1000 रुपये दे दो टीवी पिक्चर आ जाए हमारी तो तुम्हें हमारी ऐसे चले बेचारे भिखारी काय के ब्रह्मचारी जब देव जब हमारे आहार के 5 रुपये दे दो एक आहार की ऐसे करा दे भैया एक यहाँ त्यागियों का आहार होता है मांगने से
पहले मर जाना चाहिए। कितना कह रहे हैं मांगने से पहले, समझ रहे थे जी मसीह। जो कभी नहीं बोले उसका मोक्ष होता है, साधना इतनी सरल है। ख्याति लाभ बहुत खतरनाक चीज है, किसकी ख्याति करना है, इसकी की आत्मख्याति। समय से आज की टीका का नाम है आत्मख्याति। अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका ले ली है, जित शरीर ख्याति नहीं लेगी, पुण्य ख्याति नहीं लेगी, देव ख्याति नहीं लेगी, लोक में क्यों भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसका जो हो तो हमें नहीं मालूम, हमारे पास नहीं हो जी है भेद्य ज्ञान। सब लोग हमें नहीं जानेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, हम तो भगवान बन जाएंगे, उनका क्या होगा, नहीं जान क्यों, हमारी बोर्ड फीट वीडियो फोटो टीवी पे नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, बताओ ना हमारा क्या होगा, उनकी ले जाने। मुझे इसमें कभी रस ही नहीं आया, टीवी पे प्रवचन मैंने खुद नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, नेट पे मैंने आज तक प्रवचन नहीं सुनी थी, लोग बताते मुझे पता नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ मैं बैरागी कैसे हुआ वो बताता हूँ। पहले मैं जब छोटा था ना तो मुझे लगता था फिल्मों में अपन कहीं फिल्म में अपन अपनी फिल्म मिल जाएगी, समझ गए। फिर वो कोई ऐसा दृश्य आता ना सड़क पर तो वो भीड़ खड़ी हो जाती, तो आम पब्लिक खड़ी रहती है, तो फिर उनके आते तो फिर मैं सोचते कितने भाग्यशाली हैं उनकी वो पिक्चर आ गई फोकट में। फिर मैंने देखा कुत्ते की भी आगे मैं कुत्ता खड़ा था। जी पुण्य चाहती थी कुत्ते की फोटो आ गई मैंने वीडियो सांप की आ गई मैं तो किसी का नहीं। अरे भेद विज्ञान से जीता है इसको, स्वप्न में नहीं चाहे थे, नहीं चाहे थे तो मिलता है जी प्रेम। कल रात की भाषा में बोलो ज्ञान का दुरुपयोग करो ज्ञान घटता चला जाएगा। ये ज्ञान का दुरुपयोग है ख्याति में लगाना, शरीर में लगाना, भोग में लगाना, पब्लिक में लगाना, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे चाहने इसमें लगाना, ये ज्ञान का दुरुपयोग है। सुनो एक ही टारगेट है भगवान हूं और भगवान बन जाए। क्या बोले क्या बोले अब तुम कभी कोई नहीं सताएगा, कोई दुखी नहीं हो करेगा आपको। अब इसी में अनंत पुरुषार्थ तो है तो है, नहीं है तो नहीं, हमें तो कोई अनंत पुरुषार्थ नहीं लगता। मुझे लेकिन क्या इतना सता है बस, आत्मा मिल गई ना अपने को, अब क्या करना अपने को, ऐसे चला तो अज्ञान नाम का वाले भाव क्या करता है, कुछ नहीं करता। अब पांच बिगड़ मन खत्म हो गया, इनकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, नहीं पंडित जी अज्ञान नाम का वाले भाव। पर सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो बंद का कारण नहीं, नंबर वन। नंबर टू, बारहवें गुण स्थान में भी साधुओं को अज्ञान नाम का अधिक भाव है तो वे तो दुखी नहीं। और एक शिवभूति मुनिराज की कथा आ रही है, उनको तो नमोकान मंत्री भी याद नहीं था, तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अंजन चोर ने कितने ग्रंथ रटे थे तो उसका तो केवल ज्ञान हो गया। इसका मतलब इस ज्ञान की जरूरत नहीं, छोटम ज्ञान की क्यों बता दू कितने ज्ञान की जरूरत है। कल रात से अभी तक की भाषा में जोड़ के कह दूं, ओ मैं तीन लोग का सर्वोच्च कैसे भगवान है, इतना जान के प्रसन्न रहो मोक्ष ना हो तो हमसे कह लिख लियो जी बात। जैसे कान में गूंजती है फिल्मों में कुछ बता दें, कोई कोई डायलॉग सुना तो फिर घूमता रहता है, यहां से डायलॉग घुमाना सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं जिन बहुत धक्के खाए। अभी तक धक्के खाए, धक्के समझते धक्के खाए, 84 लाख योनी में ये भी तुम्हें रखने तैयार नहीं है। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल जिसकी शरण में जाती वही लात मार देता है, फुटबॉल देखी जिसकी शरण में जाए वो इलाज मार देता है। यहां से जीव मनुष्य में गया, यहां से टिकाउट हो गया नरक चला गया, नरक से टिकाउट हो गया स्वर्ग में गया, स्वर्ग में तो नहीं आता डायरेक्ट, त्रेन में चला गया, त्रेन से स्वर्ग में चला गया, 84 लाख अनंत जन्म मरण, इतना अनादर हो रहा है आत्मा का, इतना टिकाउट हो रहा है। जिन भगवत धर के खाई विश्राम निज में पां, अब बोलो मुख मार कर नहीं सदर इतना से काम करना है, अपनी महिमा करो बस, देश में बस कदम टेंशन नहीं करनी। तो अज्ञान नाम का वाले भाव 12वें गुण स्थान तक है साधु भगवान को तो भी ये तो दुखी नहीं है। और शिवभूति का एग्जाम्पल ले दिया, आपके पॉइंट्स ऑन पॉइंट
ज्ञान ज्ञान कम है इससे दुखी नहीं हो, तुम ज्ञान के दुरुपयोग से दुखी हो। क्या बोला, क्या बोला बताता हूं जरा सुनो। घर में चार भाई, एक भाई बहुत इंटेलिजेंट है, बाकी भाई कम जैसे कम बुद्धिमान वाले थे। ईमानदार भैया है हमारे बड़े भैया कहता ना, और बड़े भैया अपनी इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रहे, मैं एम एन हूं एल एल बी हूं जी कुछ नहीं समझते, ऐसे कर दूंगा ऐसे पैसे ऐसे अपनी संपत्ति से नाम कर लूंगा, पैसे ऐसे कर लूंगा और एफ डी बना दूंगा और इनको ऐसे दे दूंगा, इन्हें तो पता भी नहीं वो क्या क्या चीजें जी। क्या हो रहा है, आप अधिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हो इससे दुखी है, कम ज्ञान से कोई दुखी नहीं होता। सुनो अब तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, सुनो यदि आपके पास अधिक ज्ञान है तो कभी दुरुपयोग मत कर, अज्ञान नाम का अधिक बाबू समझ में आ गया ना कुछ, सुखी होने के मंत्र है। आगे चलो, अब मिथ्यास नाम का अधिक बाबू, अब बोलो पंडित जी आपका कहोगे मिथ्यास से तो पक्के में धोखा, मिथ्यात्मा ने उल्टी मान्यता पक्के में दुख है, यह दुख है लेकिन इसमें भी खुशखबरी है, इसमें भी खुशखबरी जबरदस्त खुशखबरी है। मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मिथ्या है आत्मा मिथ्या नहीं है, तुम भगवान हो ये मिथ्या नहीं है, तुम हमें लड़का मानते जी दृष्टि का मिथ्यापन मैंने देखने का मिथ्यापन है, मिथ्या दृष्टि मैंने आपका दृष्टिकोण गलत है, समझ गए कि नहीं समझ गए। एक पति अपनी पत्नी की शिकायत करता हुआ समाज में कंप्लेन करी, समाज के पंचों को बिठाए, मैं बहुत दुखी हूं अपनी पत्नी से, बोले क्या होगा, बोलो बोलो तो क्या होगा, मैं इससे बहुत परेशान हूं, बोले बोलो तो जिस सुबह सुबह पानी छानती वो आलू नहीं बनाती अवश्य नहीं बनाती और मंदिर जाती है और पूजा पाठ स्वाध्याय करती है, मैं तो परेशान हो गया इससे। आप बोलो तो क्या कहोगे तुम लोग, बोलो बोलो एक पंच हो आप लोग, बोलो पंच क्या कहोगे, भाई पागल है तू तो ऐसे अब पत्नी को सुधारोगे कि दृष्टिकोण सुधारोगे उसका, बस सम्यक दर्शन मैंने ब्रेन वॉश करना बस, आत्मा नहीं सुधार, आत्मा तो ऑलरेडी भगवान है। अब जो पहली बार सुन रहे तो भगवान, हमने तो भगवान की बहुत इमेज बना रखी है, इन जैन शासन भाई साहब हम केवल ब्रेन वॉश करके इतना समझाएंगे कि तुम भगवान हो, हम कुछ नहीं समझेंगे। दृष्टिकोण बदलेगा, बदल क्या करो, आप क्या करो उसे दृष्टिकोण के बदलो, सम्यक दर्शन मैंने दृष्टिकोण का बदलना मैंने ब्रेन वॉश करना, और कुछ नहीं। दृष्टांत सुने होंगे आपने, कोई व्यक्ति कांच हीरा को कांच मानता है तो उसकी लापरवाही करता है, हीरा को कांच मानता है पड़ा रहता है, लापरवाही रहती कोई मतलब नहीं रहता, संभाल के रखता ही नहीं उसे, बता तो इसने हीरे का कुछ बिगड़ा, ये जो उसे कांच मानता था उसका कुछ बिगड़ा, कांच मानने वाले बिगड़ा, तो अब आप क्या करोगे उसे समझाओ कि हीरा सुधारोगे, तो हमने उसको समझा दिया क्या कर रहे हीरा है, अब हीरा सोते रहो तो फटाफट, अब अभी तक कैसे 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 फेंक देता, अब पकड़ लिया खो दिया अब संभाल गया और तिजोरी, अब क्यों क्या हो गया जी, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात नाम का अधिक भाव भी दुखी नहीं करता जी, कह रहे तू मिथ्यात को समझ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए, क्या कहा क्या कहा, मिथ्यात नाम का अधिक भाव समझ जाए तो तू सम्यक दृष्टि हो जाए, पॉइंट नोट किया जाए, आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा को पवित्र नहीं करना है, हीरे को कुछ नहीं करना है, आत्मा तो निर्मल है, पढ़ो आप निर्मल विज्ञान घन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, एक वह 108 मंत्र पढ़ना, माघ नंदी के सूत्र ध्यान सूत्राणी, एक ध्यान सूत्राणी है उसमें सब लिखा है, सिद्ध स्वरूप हो हम, अरण स्वरूप हो हम, परमात्म स्वरूप हो हम मतलब समझ गए संस्कृत में, नहीं समझे संस्कृत में, परमात्म स्वरूप हो हम, परमात्म स्वरूप अहम,
मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ना पड़ सको तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में देहाती क्या क्या रूपाती ध्यान, एक ध्यान है ध्यान, ध्यान के भेद में रूपाती ध्यान। मैं ये कहा मैं सिद्ध हूँ ऐसी ऐसे अनुभव करो, पढ़ा नहीं पढ़ा ध्यान पढ़े पढ़ना ध्यान का प्रकरण। रूपातीत में एक आया ये रूप में नहीं हूं, मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। एक्चुअली हम इनका अर्थ नहीं करते ना, तो हम पढ़ भी लेंगे ना ध्यान पर, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परमात्मा हूं, बात तो सब सही है लेकिन मैं हूं भिखारी। जैसे किसी लड़के का नाम अपने परमात्मा नाम रख दिया, रख दिए ना परमात्मा नाम रख दिया, भगवान रावण राम नाम रख दिया मान लिया, अब नाम तो राम है और काम रावण जैसे। किसी का नाम रख दिया लक्ष्मी नंदन, अब नाम तो रख दिया लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत माने लक्ष्मी के पति, और अभी ऐसे हमारी स्थिति होती। इसमें लिखा है परमात्मा हूं, इसके ऊपर कह भी देंगे हम परमात्मा है। पंडित जी इन बातों से कच्छ नहीं लिया, ज्ञान दे रोटी बनाने दी, अपनी दुकान भी खोल ले, 10 बजे रही तुम दे हो मैंने भिखारी का भिखारी कह गया, हम उससे कह रहे थे भगवान है और उसे बोली कोई भिखारी का भिखारी मैंने चाहे दुकान है रोटी दे ही हमें देना लगता है इसे पकड़ के बैठ जा ना मोह से जाए ना हम जिम्मेदार गारंटेड माल है वारंटेड नहीं समझते नहीं गारंटी और वारंटी है समझते नहीं समझते क्या होता है हैं है गारंटी मतलब सामान ही बदल जाए हाँ सामान बदल जाए और वारंटी में ठोक पीट लो वापस तो वारंटेड नहीं दे रहे हैं हम गारंटेड माल दे रहे हैं आपको सच कह इतना सरल है बुद्धि नहीं मत होंगे ज्यादा बुद्धि से बोले कई लोग इसलिए दुखी हैं मैं इसलिए जानू कहता हूँ मैं सबसे कहता हूँ मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करो प्रवचन करने की कोशिश मत करो शिवसम मेरे जैसे शिवसम बढ़ाने की कोशिश मत करो ये तो 22 लाख मिल गया समय में नहीं मिला होता तो भी मैं इतने प्रसन्न होता मैं इतना ही प्रसन्न रहता क्यों चीजें इतनी जोर रहा है क्यों तुम रसगुल्ला अकेले में खाओगे कि भीड़ में खाओगे अकेले खा के भी मजा करेंगे उसमें क्या दिक्कत है कोई जरूरी है क्यों रसगुल्ला क्यों नहीं खा रहे 5 दिन से भीड़ नहीं खा रही है तो बढ़ गया खाना तो है लेकिन भीड़ आए तो सबको दिखा दिखा खाए देखो हम भाग सा अरे अकेले में खेचे हो अरे आनंद करो दुखी मत हो बाढ़ के जाए जब सुने नहीं पा रहे ढंग से वहां विराट कैसी ठंड में गर्मी चढ़ती इससे सुनते तो लेकिन सुनना नहीं सुनने जाते तो वो रोमांच ऐसा नहीं आया मतलब बेकार है बाद में सुनोगे फिर रोमांच करो कब आया अभी रोमांच करो हमें दे रहा था आगे ठंड में मौत हो जाए तो सौ भी जाए सुन कपड़ा नहीं तो आगे छंडी कहे मौत सुन नहीं जाएगा क्या करो मिथ्या अब ये हो गया अब ऐसे मिथ्याचारी ऐसे ऐसे असह्य ऐसी चार कसाय क्रोध मन माया लोग अब चार कसाय अब इसको गहरी गहरी प्रवचन चाहिए एक काम कर सकते तो कर लिया डॉक्टर हुकुमचंद भारती जी की 10 लक्षण धर्म पढ़ना आपको पूरा नया व्यू मिलेगा उसमें 10 लक्षण धर्म पढ़ देंगे ना तो आपको क्रोध मन माया लोग पर बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा सत्य का बढ़ना अच्छा मिलेगा क्षमा का मिलेगा ब्रह्मचर्य का मिलेगा सब एकदम बढ़िया आपको मजा आ जाएगा मैं केवल अभी यही कहूंगा ये चार कसाय होती है ना इनसे अटैचमेंट नहीं करो पहले बोला था अटैचमेंट नहीं हो चार कसाय क्रोध मान मार लो इनका पढ़ना तो महीनों चल सकता है लेकिन वो सब सब जाना नहीं मुझे किसी को सुनना हो तो पुराने प्रवचन मिल जाएंगे आपको कसाय के वो पूरे सुनो बहुत घंटों के प्रवचन है उसमें और मैंने बहुत प्रूव किया उसमें बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं कि मैं उस पक्ष को नहीं जानता उस पक्ष को भी जानता हूं तो मैंने पूरा डिटेल किया उसका जिसे तुम क्रोध मानते हो एक तो वो क्रोध नहीं और जो क्रोध है उसे तुम क्रोध मानते हो
आप असली ग्रोथ को नहीं जानते, उसे जानते ही नहीं हो। जब ये देह हम नहीं है तो आंख का लाल होना क्रोध कैसे हो गया? बड़ बनाने का नाम क्रोध कैसे हो गया? ये थप्पड़ मारने का नाम क्रोध कैसे हो गया? है ना, कठिन हो गई ना बात। अपन तो इसी क्रोध में होती और इसीलिए तुम इससे बचाने का उपाय करते। अब्रह्म बस आप देह की क्रिया को अब्रह्म मानते हो बस। जब ये देह की क्रिया का नाम अब्रह्म कहीं नहीं लिखा, लिखा भी मुझे भी पता है लिखा है, लेकिन जो कुछ नहीं समझता उसे देह की तरफ से समझाती। क्या बोला हमने? जो कुछ नहीं समझता उसे देह की तरफ से समझाती है। तो असली क्रोध क्या है और असली अब्रह्म क्या है? पढ़ो आप, आत्मा में आनंद नहीं करना ये अब्रह्म है, अपने परमात्मा का आनंद नहीं लेना ये अब्रह्म है। पढ़ लेना पढ़कर। और क्रोध क्या है? ये ही अनंत क्रोध है, ये ही अनंत क्रोध है। अब समझ में किसी को कुछ नहीं आया, सबके चेहरे बुझ गए, तो अब टाइम तो हो जाएगा, वो तो चुका ही है। तो कहो तो कर लू दो चार पांच मिनट, ठीक है कर लू, अब इतने कर पाएंगे ना। अब इसमें लेस से छूट जाएगी, कहोगे तो शांत कर देंगे, नहीं तो फिर तुम पढ़ लेंगे, मतलब हमारा प्रवचन सुन लेना लेस से। इनका एक एक वर्ड का प्रवचन मिल जाएगा आपको, तो जैसा भी करना ऐसे मिल जाएगा, तो वो वहां से सुन लेगा, तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा। तो क्रोध समझाता हूं, ध्यान से सुनना क्रोध। मैं क्रोध और अब्रह्म दो ले रहा हूं, आप दोनों को शरीर से, अब शरीर से कहने की जरूरत क्या पड़ी थी? जिनमानी मुझे पता है शरीर के माध्यम से क्रोध मान माए लोग कहते हैं, शरीर के माध्यम से अब्रह्म कहते हैं, कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कि जगत एक काम करो, मार्केट में केले वाले को बात समझा देना आज कौन सी केला सफेद होता है, तुम झूठ बोलते हो, हरे पीले हरे पीले, हरा पीला तो छिलका होता है, उसे अपन फेंक देते हैं, वो गैया खाती है, अपन नहीं खाते आदमी को, क्यों कहते हो हरे पीले केला खरीदो? समझाना उसे, वो नहीं समझेगा। वो कहेगा सुनो यदि तुम समझदार हो तो तुम ही समझो। हम तो हरे पीले केले ही बोलेंगे। क्यों? कि सारी दुनिया को जो दिखता है ना वो बिकता है। अब समझे, ऐसे ही सारे अज्ञानी जीवों के पास आंखें हैं और आंखों से मात्र शरीर दिखता है। तो हमने यह तक कह दिया कि मनुष्य जीव है, चिंटी जीव है, लेकिन 100% सत्य है कि मनुष्य जीव नहीं है और शरीर को चिंटी भी जीव नहीं है। जैसे केले का छिलका केले से न्यारा है, ऐसे जीव से न्यारा जीव का शरीर है, छिलके की तरह है। ले हम करें क्या? अंदर का जीव तो किसी को दिखता नहीं। हम कहते बेटा तुम जीव हो, चिंटी जीव है, मारो मत, पाप लगेगा, पेड़ मत काटो, पाप लगेगा, जीव है। और अंदर का जीव तो दिखता नहीं था। अब तुमने क्या गड़बड़ कर ली, तुमने इसी को जीव मान ली। ऐसे हम जब इसी के माध्यम से क्रोध समझाए, इसी के माध्यम से अब्रह्म समझाए, तो तुम झट पकड़ लो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 100% झूठ है। और नहीं प्रैक्टिकल बताता हूं, और कोई रास्ता तय नहीं, क्योंकि जज तो आप हो, मैं तो तर्क दे रहा हूं, फैसला तो आप ही करना है। यदि आपको नहीं समझ में आए कि आप जय कहो, पंडित जी गलत बोल रहे, हमने तो आज सब जय सुनी है, जय देख लिया, आपने जो देखा सुना वो मैंने ही देखा सुना है और मैंने पढ़ा भी है, मैं भी उसका प्रयोग करता हूं। लेकिन अभी तो ट्रुथ तक जाना है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? एक सरल दृष्टांत, डरना नहीं है, सत्य बोलोगे ना? हाँ सत्य। तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हें कुछ डांटा है? चिल्ला चिल्ला कर जीवन में मर रहा, हड्डी पसली तोड़ती, कुछ बोला कभी कभी? तो मम्मी क्रोध करती है कि नहीं करती? करती है। अब जिनवाणी कहती है कि मां क्रोध नहीं करती, मां कितना भी डांटे मारे बच्चे को, मां को पुण्य बंद होता है, तब तो मर गए हो। अम्मा को जब भी पुण्य करना होगा। तो
समझिए आप मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं रियली क्या रियली क्या उसका कारण है, उसका कारण मां बच्चे को नहीं मारती, मां बच्चे की लापरवाही को मारती है, लापरवाही दूर करना चाहती है, प्रमाद दूर करना चाहती है, वो पढ़ेगा नहीं तो उसकी भविष्य बिगड़ जाएगा, उसके खेलने बिगड़ जाएगा, फिर उसकी इंसल्ट होगी तो उसे तकलीफ होगी, फिर उसकी शादी नहीं होगी तो उसे तकलीफ होगी, धन की बहू नहीं ला पाएगा तो तुम्हें तो कच्ची नहीं उसे तकलीफ होगी। और हमारा लड़का जब पढ़ लिख के बढ़िया हो जाएगा जोरदार और सब दुनिया तारीफ करेगी तो उसे आनंद आएगा, फिर करोड़ रुपया लाएगा आनंद आएगा, बहू लाएगा आनंद आएगा। अब बताना सही से वो तुम्हें मारती करनी असमसा, कई बार बच्चे कह देते तुम कब कितना मारते हो हमको, हमें क्या मारने में मजा आता है बेटा, तुम सुनते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, मोबाइल क्यों देखते रहते हो, क्यों चलाते रहते हो वो वीडियो में, कल के दिन तो पढ़ाई फेल हो जाओ, फिर पापा मारेंगे फिर अच्छा लगेगा, फिर दुनिया बदनाम करेगी अच्छा लगेगा, नहीं समझाते बोलो नहीं समझाते आप लोग, बेटा हम तो कभी नहीं मारेंगे, तुम कल नहीं करो हजार बार कह दिया ऐसे पढ़ो ऐसे जाओ ऐसे करो, हमें क्या दिक्कत, टाइम से खाओ टाइम से सो टाइम से जगो खत्म, बोलो नहीं कहती हो तो बोले। अब हम फिर से तुमसे पूछे जब मम्मी ने मारा था तो पुण्य हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, हाँ हुए ना फिर, अब मम्मी को पुण्य हो गया गलत नहीं है, इसका क्या मतलब निकला, वचन से पाप नहीं होता, वचन से क्रोध नहीं होता, जी कहना है हाथ मारने से क्रोध नहीं होता, समझ में आई कुछ अटपटी बात, एक्चुअली हमने जो छिलका देखा है वो ही पता है, जिनवाणी भाई साहब जैन शासन अलग है, देह के माध्यम से कहा है लेकिन देह का नाम क्रोध नहीं है, पढ़ोगे आप ग्रंथ पढ़ना, आचार्य भगवान अपने साधु शिष्य को सुधारने के लिए यहां तक लिखा है, यहां तक लातों से ताड़ना दे करके भी उसे भगवान बनाते, तो पढ़ना भी स्टोरी, आचार्य भगवान साधु को इतना कठोर दंड तक दे देते हैं, जाओ उसी शमशान में जहां तुमने विवाद किया है, और चार हुए आगे रक्षाबंधन की कथा में पढ़िए, रक्षाबंधन की कथा में, और चार को चारों मंत्री दुष्ट थे, तलवार लेके मारने आ गए साधु को, और आचार्य ने भाई भेज दिया भैया अकेले दम पे रहो अकेले दम पे, पढ़ना दस प्रकार प्रायश्चित होते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मेरा मतलब ये है अब बोलो भाई मन वचन काय से क्रोध होता है कि नहीं, और नहीं तो करेगा ऐसा तो फिर कोई करेगा ही नहीं, फिर क्यों फिर तुम जज बनोगे, कभी फांसी देनी पड़ेगी सजा में, सजा देनी पड़ेगी, पति पत्नी का बैराज कराना पड़ेगा, पति को जेल बंद, बच्चों को जेल बंद, मां तड़पेगी वहां जेल में बंद कर दो इसको 20 साल, सब दुखी होंगे तो फिर बेचारा जज तो कभी बनेगा ही नहीं कोई, फिर पुलिस वाला भी कोई नहीं बनेगा, क्यों सबको करम लगे भी पाप क्यों बांधे, बिल्कुल नहीं, जज को पाप नहीं लगता, पुलिस को पाप नहीं लगता, डॉक्टर को पाप नहीं लगता, ये पाप लगने लगे तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा, सोचो जरा, फिर कोई सैनिक नहीं बनेगा, फिर कोई राजा नहीं बनेगा, क्योंकि युद्ध में जाना पड़ेगा, तो रामचंद्र जी मोक्ष गए कि नहीं गए, तो वे तो खूब लड़ रहे थे 14-15 करोड़ सेना जन कितनी मारी, बहुत बड़ी संख्या है, अक्षुणी सेना 15 अक्षुणी सेना 14 अक्षुणी सेना, अब तो समझिए बेटे अब सोचना पड़ेगा आपको, तो फिर क्रोध किसका नाम है, तो पहला क्रोध लिखा है आत्मा को आत्मा नहीं मानना, यह अनंत क्रोध है, अपने को भगवान मानना, भगवान जैसी प्रतिष्ठा नहीं देना अपने आप को, भगवान जैसा बैठे अपने को नहीं देना, ये अनंतानुबंधी क्रोध है, तो सब दूसरा क्रोध बता दे जो पहले नंबर का टॉप क्वालिटी का है, दूसरा बता कि दूसरा ये है कि तुम पंचम गुणस्थान का व्रत धारण नहीं करते, ये दूसरा क्रोध है, तो सब तीसरा क्रोध बताओ कि तीसरा क्रोध कि तुम मुनि दीक्षा नहीं लेते, ये क्रोध है तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का क्रोध बताओ सर कि तू केवल ज्ञान प्रकट नहीं करता, ये केवल चौथे नंबर का क्रोध है, यथाख्याचारी नहीं करते, चौथे नंबर का क्रोध है, अब समझ कोई को नहीं आई ये चार, इसलिए फिर छिलके छिलका बिकता
हम भी बहुत परेशान थे, बताया ना तुम्हें, बहुत परेशान। अरे देह के पंडित का नाम अब्रह्म नहीं है, देह में अटैच होने का नाम अब्रह्म है। देह का पंडित जैसा होना हो, हम तो मस्त रहते, हम मस्त रहते हैं, खत्म। हम देह थोड़ी सुधारनी है, दृष्टिकोण बदल गया, देह भी सुधर गई, निमित्त निमित्त देह भी सुधरती है, निमित्त निमित्त देह भी सुधरती है। एक बात अब ज्यादा शरारत तुम परीक्षा के दिनों में करते हो या जुलाई अगस्त के महीने में करते हो? क्यों जुलाई अगस्त में फोकस खराब है, कोई पढ़ाई परीक्षा का टेंशन नहीं, मम्मी के बेटा जल्दी उठो, अभी तो परीक्षा पूरी हुई है, अभी तो रिजल्ट आया, अभी तो स्कूल ही खुला है, लापरवाही करती है। और जैसे जैसे जनवरी आती है, फरवरी आती है, मार्च आता है, अब मम्मी के पीछे जा बेटा, आपने देखा खड़ी मम्मी सुनाती है मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च सो जा, रात भर से चल रहा है, वहां खराब हो जाएगी, सो जा, गर्मी बढ़ जाएगी, सो जा, ये तुम्हें तो स्वाभाविक बढ़ रही, हमें परेशान है। और जुलाई को जगह जगह के परेशान, जग जा बेटा होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क नहीं कर रहा, क्या कमाल है ना, ऐसे ही होता है। पंडित जी आपको कैसे पता हमारे घर पॉइंट में आया बस, ऐसे कैसे कहते बात, तो जैसे तुम कसाय समझते हो, कसाय नहीं है ऐसे। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे तुमने आत्मा की महिमा की ना, तो पहला क्रोध समाप्त होता है, फिर ऑटोमेटिक बैटरी होती है ना, बैटरी जैसे आप चालू करते हो तो सेल खाली होना शुरू हो जाती है, और जब सेल खाली हो जाता है पंचगुण स्थान, सेल और खाली हो गया था सातवां गुण स्थान, और बिल्कुल ही खाली हो गए, सेल पूरी चले गई, तो पूरी बैटरी खत्म, मैंने कर्म खत्म, व्यथा क्या चाहिए, तो चारों का साय अपने आप ही खत्म होती है, तो मैं नहीं करना, तुम तो केवल एक ही काम करो, तुम तो एक ही काम करो, बाकी बाकी तो अपने आप ही होना है सर। लिखा है श्रीमद जी ने, तू एक बार सम्यक दर्शन धारण कर, फिर तू नहीं भी चाहे, नहीं भी चाहेगा ना, तो भी तुझे मोक्ष में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने आप जाओ, और कोई रास्ते नहीं बची, एक बार कर लो। मैंने तुम्हें क्या करना है पता है, हम तुम्हें चार सेल दे दें भैया ने खाली कर दिया, करो कैसे खाली करो, बोलो चार सेल तुम्हें दे दें तो कैसे खाली करो, सेल साठ में डाल दो चालू है, छोड़ दिया कितना सरल था, मैंने तेरा ये भी कहा कि तू अपनी प्रभुता स्वीकार कर, तुम भगवान बनने लायक हो, तुम आचार्य बनने लायक हो, तुम साधु बनने लायक हो, अपनी महिमा खराब, फिर ये भोग तुच्छ लगेंगे, पशुओं जैसे लगेंगे भोग, ऐसे घिन आएगी तुम्हें, वही काम त्रेंज कर रहे वही तुमने कर लिखा है सर, पाश्विक कर्म लिखा है, पाश्विक कर्म पशुओं जैसा कर्म, ये कोई कोई वैसा व्यक्ति होगा जिन पशु कर्मों में मजा माने, इनमें क्या रखा जी है सबसे बड़ा काम। अब जे विजन सेट हो गया सुदर्शन मोह चला गया, मोक्ष से ना हो तो लेते हैं हमसे, इतनी सुंदर बात, तो जी हो गए विख्यात हो गया, असंयम ऐसे असंयम चला गया, चार जी हो गए। अब केवल एक ही चीज बची, योग योग के लिए जली हुई रस्सी के समान कहा, मन वचन काय को जली हुई रस्सी के समान कहा, इसमें कोई दम नहीं है, इससे भी बंद नहीं होता, इससे भी बंद नहीं होता। और अब अंतिम रह गया लेसिया, इसकी बात अभी नहीं, ओम नमः शिवाय।